कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर में है। इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। कांग्रेस ने इस समापन समारोह के लिए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था ताकि इसे विपक्षी एकता के रूप में पेश किया जाए और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेताओं ने इस समारोह से खुद को दूर कर लिया है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसने कांग्रेस और राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आइए जानते हैं क्या है इस सर्वे में। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में खुलासा हुआ है कि 37% लोगों का मानना है कि यात्रा ने माहौल बनाने में मदद तो की है लेकिन ये चुनाव जीतने में मददगार नहीं होगी। 29% लोगों का मानना है कि बड़े स्तर पर लोगों से जुड़ने का ये अच्छा रास्ता है, जबकि 13% लोग मानते हैं कि ये केवल राहुल गांधी की छवि को दोबारा तैयार करने की कोशिश है। 9% का मानना है कि यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष का नेता कौन? फिलहाल देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की चर्चा है। हालांकि नेताओं की तैयारियां जारी हैं लेकिन अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। इस बीच एक सवाल लगातार बना हुआ है कि विपक्ष एकजुट हुआ तो नेतृत्व कौन करेगा। सर्वे से पता चला है कि राहुल के मुकाबले जनता आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्यादा पसंद कर रही है। 24% लोगों का मानना है कि विपक्ष के नेतृत्व के लिए केजरीवाल सही नेता होंगे। वहीं 20% को पश्चिम बंगाल CM और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी में भरोसा है। केवल 13% लोगों ने ही राहुल गांधी को विपक्ष के लिए उचित नेता माना। कितना असरदार होगी विपक्षी एकता? विपक्षी एकता बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से 2023 की शुरुआत बीजेपी के लिए अच्छी साबित होती दिख रही है। 47% लोगों का मानना है कि इससे मोदी सरकार को चुनौती नहीं मिलेगी, जबकि 39% पक्ष में है। खास बात यह है कि जनवरी 2022 में 49% लोगों का मानना था कि विपक्षी एकता पीएम मोदी को चुनौती दे सकती है। उस दौरान 41% से इनकार कर रहे थे। हालांकि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस सवाल के जवाब में 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी, 14% ने राहुल गांधी, 5% ने अरविंद केजरीवाल और 3% ने अमित शाह का नाम सुझाया है। सर्वे में 140,917 लोगों के जवाब दर्ज किए गए थे। साथ ही इस दौरान सी वोटर के 1,00,000 से ज्यादा इंटरव्यू के जरिए भी जानकारी जुटाई गई थी। अब सवाल है कि राहुल गांधी की अगुवाई में जारी करीब 3500 किलोमीटर की ये यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी मददगार होगी। इस सर्वे को सही माने तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव जीतने में खास मदद नहीं मिलेगी। वहीं विपक्षी नेतृत्व के तौर पर भी लोगों ने राहुल को नकार दिया है। जनता किसे अपना नेता चुनती है इसका पता 2024 के आम चुनावों के बाद ही लग पाएगा।